हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। बकरी दो गांव खा गई। हाय, बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता हुआ घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकालकर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है? क्या, एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है? क्या, एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं हुजूर, कमाल की बात है। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्ने में रस ही ना निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफी रुपए लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा लेकिन इस बार लोटा ना भरा। फिर एक के बाद एक तीन चार गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा ना भरा। अकबर उसका इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी, वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशय पूर्वक
बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूँ, किसान ने घबरा कर पूछा। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? नहीं, तुमने मुझे ये बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया। जाओ, इस बार लोटा भरकर रस ले ला। जाओ, इस बार लोटा भरकर रस ले आ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया। फिर पीपल का एक पत्ता लाकर बोले, हम इस पर तुम्हें दो गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांवों की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद पत्ते की बात ही भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय, बकरी दो गांव खा गई। बकरी द्वारा दो गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे दो गांव देने का हुक्म लिख कर दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। सारा दरबार कहकहों से गूंज उठा। हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गिल्लू। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे गमले के चारों ओर छुपा छुआउगल जैसा खेल खेल रहे थे। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना और मैं उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछ कर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई और मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटों तक लगातार उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना स्वस्थ हो गया कि नीले कांच की मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके सिनक रोए झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी।
हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार में खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूला झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। उसकी समझदारी की कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तो मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए वह मेरे पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसे उसके अगले दोनों पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। भूख लगने पर चिक-चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे में बाहर जाने वाले पंजों से पकड़कर मुझे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक-चिक करने करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने घर से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करने की ज़रूरत है। मैंने खिड़की की जाली खोल दी। बाहर निकलकर गिल्लू ने राहत की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना, हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने के लिए वह कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जुही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी की मेरे साथ में खाना खाने की हिम्मत हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन तक काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। इसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर एक दिन अस्पताल में रहना पड़ा। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूलों की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह इन दिनों
अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर अलाव जलाया और उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वह सो गया।